हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टाटा की तरफ से एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई थी वो सिर्फ टेक्निकल वैकेंसीज थी, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आया है इसमें सारे के सारे कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आई है। 10th, 12th, ग्रेजुएशन एंड अदर्स के लिए काफ़ी टाइप की वैकेंसीज आ गई है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबका बताऊंगी किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कब से कब तक अप्लाई कर पाएगा। ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। और इसी तरह से आप चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के साथ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अभी हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की, जो कि टाटा की तरफ से आई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी सैलरी इस बार बहुत अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल वैकेंसीज की अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी 28,040 से 1,03,081 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आई है। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज है, कब से कब तक अप्लाई करना है। और बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारी नई वैकेंसीज आ गई है, मैं अपनी ऑफिशियल साइट पर साथ ही साथ अपडेट कर देती हूँ। www.pyori.com लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, जो कि टाटा TIFR की तरफ से बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले लेकर आई हूँ। कर दीजिए वीडियो को लाइक, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए हर एक अपडेट लेकर आती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आ रही है। इतनी ज़्यादा वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर करते रहा कीजिए, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए। वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं, टाटा TIFR की वैकेंसीज आई हुई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई किस तरह से करना है। तो इन वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। इस वीडियो में एलिजिबिलिटी के साथ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी अप्लाई किस तरह से करना है ताकि आपको किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो ज़रूर देख लेना अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज लास्ट टाइम काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आए थे, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की। उससे पहले आपको बता देती हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज है। इसमें जो वैकेंसीज इस बार आउट की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट, क्लर्क की है, प्रोजेक्ट मेडिकल ऑफिसर, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है। नेक्स्ट बात आती है एज क्राइटेरिया की। आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज है 45। इसमें जो वैकेंसीज आई है फ्रेशर के लिए अलग है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों के लिए वैकेंसीज आई हुई है। आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चेक करके ज़रूर से अप्लाई करना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। इन्होंने हर एक पोस्ट वाइज सैलरी बताई हुई है, जो आप नोटिफिकेशन में ज़रूर एक बार देख लेना। मैं आपको ओवरऑल सैलरी बता रही हूँ जो स्टार्टिंग से एंड तक है। स्टार्टिंग आपकी जो इसमें सैलरी है 28,040 से 1,03,081 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं जो वैकेंसीज आई है इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो इस बार जो वैकेंसीज आउट की गई है इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा, देन आपकी इंटरव्यू होगी, उसी के बेसिस पे इस वैकेंसीज के लिए आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। आप जनरल कैंडिडेट हो, OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी टाइप की कोई भी एप्लीकेशन की फ़ी आपको पे नहीं करनी है। प्लस पॉइंट है आपके लिए 10th, 12th, ग्रेजुएशन एंड सबके लिए वैकेंसीज आई है, एप्लीकेशन फ़ी भी कोई नहीं है। अप्लाई ज़रूर कर लेना चाहिए ऐसी वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अप्लाई किस तरह से करना है। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, टाटा TIFR रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। जब आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको रीडायरेक्ट करेगा हमारी ऑफिशियल साइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। उस पर क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट लिंक। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आपने क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद टाटा TIFR की ऑफिशियल साइट पर आप पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिल करनी, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, अदर इन्फॉर्मेशन सिंपली आपको फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट से कैंडिडेट का यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन आपकी इंटरव्यू होने वाली है, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है 10th, 12th, ग्रेजुएशन के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है इसके लिए इन्होंने हाइट बताई हुई है। जो मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और चेस्ट 80-85 आपकी होनी चाहिए। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी है आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 12th जनवरी 2021 है,
12 जनवरी 2021 तक आपको अप्लाई कर लेना है। आपका कोई डाउट है किसी भी वैकेंसीज को लेके आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसी अलग आई है, सेंटर की अलग। साथ ही साथ मैं अपनी ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर देती हूँ, www.glory.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ विजिट करके आप लेटेस्ट जो वैकेंसी इसके अलावा आई है उसको ज़रूर से चेक कर लेना। किसी भी वैकेंसीज को लेकर आपको डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट ज़रूर करना, चाहे वेबसाइट पर चाहे आप यूट्यूब पर कर सकते हैं। इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ इंडिविजुअली आपकी हेल्प हो पाए, जितना मैं मुझसे पॉसिबल होता है मैं कर सकती हूँ आपकी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इंस्टा पर फॉलो ज़रूर कर लेना एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।